नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा कि मैसूर पाक घर में कैसे बनाएं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो हमें क्या सामग्री लगेगी वो मैं बता देता हूँ आपको। हमें चाहिए ये 1 कप जो है करीब, जो हमें शक्कर चाहिए चाशनी के लिए, और बेसन चाहिए हमें। इसके अलावा हमें चाहिए इलायची। इसके अलावा अगर आप जो भी मेवा डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, लेकिन ये घी चाहिए उसके अलावा हमें। तो इसे कैसे करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम इसको जो थोड़ा सा घी डाल के इस बेसन को हम भूनेंगे और इसकी जो है हम चाशनी बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसको जो है भूनते हैं। इसे हम बिल्कुल धीमी आंच में भूनेंगे। अब ज्यादा तेज आंच में नहीं भूनना है, नहीं तो ये जल जाएगा। इसके अलावा हम चाशनी बनाएंगे 1 तारीख की। तो चाशनी बनाने के लिए हम ये शक्कर डालेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो दोस्तों, हमारी ये चाशनी जो है बन चुकी है। और ये देखिए, इधर में जो हमारा जो है ये भून चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे। तो ये गैस बंद हो गई है। तो अभी हम इसको धीरे धीरे इसमें डालेंगे और इसमें पकाएंगे। तो देखिए किस तरह से करना है। ये देखिए इस तरह से हम डालेंगे और इसको पकाएंगे। अच्छी से मिलाना है इसको अच्छी से। आप चाहे तो इसमें 2-4 या 1 कप क्या 1 चम्मच के आसपास आप चाहो तो इसमें दूध डाल सकते हैं, इसका मैल निकालने के लिए। शक्कर में जो मैल होती है उसको निकालने के लिए आप दूध डाल सकते हैं। तो इसी तरह से इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें चाशनी डालना है, चाशनी में डालना है। तो दोस्तों, अभी ये पक रहा है, इसी में हम जो है घी डालेंगे। इस तरह से हम इसमें घी डालेंगे और इसको अच्छे से हिलाते रहेंगे इस तरह से, और इसमें इसको अच्छे से देखिए। तो ये जब ये साइड से छोड़ने लगे तब हम डालेंगे इसको जो है अपनी थाली में, जिसको हम जो है घी लगाएंगे। तो अभी हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर डालेंगे, और ये हमने जो है थोड़ा सा ये डाला हुआ खोपरा। अब इसको अच्छी से मिलाते रहेंगे इस तरह। अब इसमें हम लगाएंगे घी थाली में। अगर आपके हाथ साफ हो तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये जो है बिल्कुल छोड़ना चालू कर दिया। अब हम इसको डालेंगे। तो ये देखिए, मैंने ये थाली में देखिए ये घी लगा के रखा हुआ है। तो अब इसमें हम इसको डालेंगे, डायरेक्ट गैस बंद करेंगे और इसमें डालेंगे। और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको एक सार कर लेंगे हम।
दोस्तों अभी इसे भी हम काटेंगे, मन चाहे आकार दे देंगे जैसा आप चाहते हैं। चाकू में घी लगा हुआ है और अगर आपको चिपक रहा है तो आप थोड़ा घी लगा सकते हैं, मगर मैंने लगा रखा है। दोस्तों हमारा महेश्वर पाक जो है ये तैयार हो गया, ये देखिए। दोस्तों घर में आप महेश्वर पाक बना के देखिए, आसानी से बनेगी, बिल्कुल आसान तरीका है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने मित्र प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।